उधर से इस समय हम स्पॉट पर मौजूद हैं बंटोल प्लाजा। और ये देखिए, ये वो सामान है जो उन चारों आतंकवादियों से बरामद किया गया है। और इस समय ये विजुअल देखिए, हैंड ग्रेनेड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम वो सामान जो है जो उन आतंकवादियों को मार कर जो बरामद किया गया है वो सामान यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के जवान और भारतीय सेना के जवान यहाँ पर चारों तरफ जो है मुस्तैदी है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी देखिए, अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर सर्चिंग चल रही है। और ये तस्वीर है देखिए, जो ये जो सामान जो है जो यहाँ पर मिला है, अब उस सामान की यहाँ पर पुष्टि की जा रही है। और ये देखिए किस प्रकार से डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर सर्चिंग कर रहा है। और ये वो तब यही वो स्पॉट है जहाँ पर इनकाउंटर जो है वो हो रहा था आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में। इस तरफ यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर ये वो तमाम सामान है जो सामान बरामद किया गया है। और चार आतंकवादी मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि चार आतंकवादी जो थे वो यहाँ पर कश्मीर जाने की फिराक में थे, जिस प्रकार से IG जम्मू मुकेश सिंह ने जानकारी दी है। और ये देखिए यहाँ पर ये वो सामान है जो सामान उन आतंकवादियों से बरामद हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए सामान को कितने ध्यानपूर्वक सामान को यहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है एक जगह पर। अब जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर है, CRPF के जवान यहाँ पर है, भारतीय सेना के जवान यहाँ पर हैं। और अब ये जो सामान उन आतंकवादियों से मिला है, ये है वो सामान। यहाँ से देखे ये देखिए यहाँ पर जूते भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हैंड ग्रेनेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये स्पॉट से यहाँ पर आप तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए जो सामान उन चारों आतंकवादियों से बरामद हुआ है, जिसमें हैंड ग्रेनेड हैं वो आप यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, स्पॉट से दिखा रहे हैं ये तस्वीरें आपको, बन टोल प्लाजा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, और ये देखिए यहाँ पर निशान देखिए, ये दीवार पे निशान जो हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ये वो निशान हैं ये स्पॉट के निशान हैं, यहाँ पर इनकाउंटर हुआ। और ये बन टोल प्लाज़ा। और अभी भी देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कोई खतरे का, अगर किसी भी प्रकार का कोई ख़तरा यहाँ पर है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए। और ये देखिए ये यहाँ पर ये देखिए जलाया, ये सारे का सारा स्पॉट आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये चावल आप देख सकते हैं। और ये भी बताया जाए, और आपको हम बता दें कि ट्रक में बैठकर वो चार के चार आतंकी जो थे वो यहाँ पर आए थे। और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को भनक लगी तो आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायर ओपन किया और चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जो उन चारों आतंकवादियों से सामान जो है वो बरामद हुआ है, उसकी जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद जो सामान मिला है पुलिस उसको अपनी हिरासत में ले रही है। और देखिए चारों तरफ आप एक बार मैं आपको ये फिर से ये दिखाना चाहूँगा, देखिए गोलियों के निशान, ये वो गोलियों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। और सोचिए कि कितना बड़ा खतरा जो है वो टला है इस समय यहाँ पर, कितना बड़ा खतरा जो है वो टला है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इतने बड़े खतरे को यहाँ पर टाला है। और जिस प्रकार से IG जम्मू मुकेश सिंह ने भी
ये कहा कि ये चारों के चारों जो है आतंकवादी जो हैं ये कश्मीर जाने की फिराक में थे और बन टोल प्लाजा के पास इनको धर दबोचा गया है। आईजी जम्मू ने यह भी जानकारी दी थी कि 11 AK-47, 3 पिस्टल और सैटेलाइट फोन भी बरामद किए गए हैं। ये वो यहाँ के नगरोटा टोल पोस्ट के यानी कि बनटोल का वो दृश्य है जहाँ पर आज सुबह तड़के 5 बजे चार आतंकवादी जो है वो कश्मीर जा रहे थे ट्रक में बैठकर, जिस प्रकार से झज्जर कोटली में जाने की वो कोशिश कर रहे थे कश्मीर की तरफ, घाटी की तरफ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद थी और उसके चलते यहाँ पर रूटीन चेकअप, जिस प्रकार से आईजी जम्मू ने भी कहा कि रूटीन चेकअप जो था वो हो रहा था। फिलहाल सिचुएशन ये है कि सभी नाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, सभी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि इस प्रकार की घटना जो है वो फिर से ना होने पाए। और सबसे अहम बात मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सबसे अहम बात जो है 11 AK-47, 3 पिस्टल, सैटेलाइट फ़ोन जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। ये जानकारी आईजी जम्मू मुकेश सिंह द्वारा जो है वो साझी की गई थी और ये वो सारा स्पॉट है। देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस घेरा बनाए हुए, क्योंकि ये घेरा इसलिए बनाया गया है क्योंकि अंदर इस घेरे के अंदर जो है वो यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि किस प्रकार से ये इस सामान को जो रिकवर किया गया है, जो सामान उन चारों आतंकवादियों से, उस पर किस प्रकार जाँच पड़ताल की जा रही है। और ये जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल के बाद जो है वो यहाँ से इस सामान को पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी। और इस तरफ ये देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जो है उसको भी यहाँ पर क्षति पहुँची है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो सबको पीछे करते करते यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जांच पड़ताल जो है वो चल रही है और जो भी यहाँ पर सामान उन चारों आतंकवादियों को मारने के बाद बरामद किया गया है उस सामान की यहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है। और JCB देखिए, ये JCB के साथ जो है अब इस सामान को यहाँ से खाली किया जाएगा। और ये JCB की मदद से अब इस सामान को यहाँ से खाली किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। और इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस एहतियातन तौर पर सबको पीछे कर रही है ताकि कुछ अगर इस प्रकार का विस्फोटक सामान यहाँ पर हो तो किसी को भी कोई भी क्षति ना पहुँचे। JCB लाई गई है, JCB से अभी सामान को जो है वो उठाया जा रहा है। और देखिए डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर तैनात है। और फिलहाल वहाँ पर देखिए कंबल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये वो सारा सामान यहाँ पर समेटते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर समेटते हुए, ये वो सामान है जो उन चारों आतंकवादियों को मारने के बाद जो है वो बरामद किया गया है। अब इस सामान को जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है। और जिस प्रकार से मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, 11 AK-47, 3 पिस्टल, सैटेलाइट फ़ोन, आईजी जम्मू मुकेश सिंह ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि 11 AK-47, 3 पिस्टल और सैटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुए हैं। और ये देखिए ये कंबल आपको कंबल भी दिखाई दे रहे हैं। और ये राशन, ये उस ट्रक में से ये सारा का सारा सामान जो है वहाँ से बरामद किया गया है। और जब हमने आईजी जम्मू से ये पूछा कि क्या ये आतंकवादी घाटी की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये घाटी की तरफ ही थे लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद थी और उसके चलते बन टोल प्लाजा पर ही उन चारों आतंकवादियों को रोक दिया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि बहुत बड़ा खतरा टल गया है। अगर सोचिए कि ये चार के चार आतंकवादी अगर
यहाँ से यानी कि इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके, बन टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके अगर घाटी की तरफ, घाटी में पहुँच जाते तो सोचिए कितना बड़ा खतरा जो है वो सभी लोगों के लिए बन जाता। लेकिन जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस है तब तक ऐसा कदा भी नहीं हो सकता, और आज एक बार फिर से ये साबित कर दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सक्षम हैं किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए, अपने देश के देशवासियों की सुरक्षा करने के लिए। और ये विजुअल्स मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ये विजुअल्स आप देखिए तस्वीरों में, देखिए यहाँ पर घेरा बनाया हुआ है। इस घेरे का मतलब क्या है? इस घेरे का मतलब ये है कि इसके अंदर वो तमाम सामान जो उस ट्रक में से बरामद किया गया है, उन चारों आतंकवादियों को मारने के बाद जो है, जो भी सामान यहाँ पर, जो भी सामान जो है वो मिला है, उसकी अब जांच पड़ताल होगी। और यहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसको अपने हिरासत में लेगी। और बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद DDC के चुनाव भी हैं। हो सकता है कि आतंकवादी DDC चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर रहे हों, जम्मू में, जम्मू संभाग में अशांति बनाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जब तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल सेफ हैं जब तक हमारे ये सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, बनटोल, नगरोटा।